चलिए, और इसी बीच आपको ग्रेटर नोएडा से भी आपको लिए चलते हैं, जहां पर ग्रेटर नोएडा में हमारे सहयोगी नागेंद्र भाटी लाइव जुड़े। नागेंद्र जी, हालांकि पूरा देश इस समय राममय हो चुका है, ग्रेटर नोएडा से किस तरह की तस्वीरें आप वहां पर देख पा रहे हैं? नेपाल के लंबे इंतजार के बाद आज रामलला अपने घर आने वाले हैं। भव्य दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर रामलला प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाएगा। इसमें सिर्फ 84 सेकंड है जो शुभ मुहूर्त है, जिसमें कि अयोध्या में आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाएगा। इस वक्त ग्रेटर नोएडा के दादरी शिव मंदिर में है, चिठहरा गांव यहाँ पर है, और आप देख सकते हैं जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पूजन कार्यक्रम में लगे हुए हैं। बिल्कुल दिवाली की तरह जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। आप पीछे यदि देखेंगे तो जो मंदिर है वो बिल्कुल यहाँ सजाया गया है। कल से ही यहाँ पर जो पाठ है वो लगातार किया जा रहा है, अखंड पाठ यहाँ पर चल रहा है। लगातार जो लोग हैं वो राममय बने हुए हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आज भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, एक लंबा इंतजार, बलिदान, त्याग इस बीच हुआ है, क्या कहेंगे? बहुत खुश है जी। सबसे बढ़िया कार्य हुआ है, भगवान के प्रति सबकी सद्भावना बनी हुई है। आप क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? हमें बहुत खुशी है भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बारे में। हमारे चिठाड़ा गांव में ये कार्यक्रम होने जा रहा, अखंड पाठ हो रहा, भजन कीर्तन हवन आदि सभी कार्य होने जा रहे हैं, भंडारा चल रहा है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, जय श्री राम। बिल्कुल, जो माहौल है वो राम में बना हुआ है। आप क्या कहेंगे, कितनी खुशी है भगवान रामलला आज विराजमान होने वाले? भाई साहब, हमें तो अत्यंत खुशी है और हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो इस दिन को देख रहे हैं। ये 500 साल के इंतजार के बाद, 76 युद्ध होने के बाद और लगभग 3.5 लाख हिंदुओं के नरसंहार के बाद ये दिन आया है। ये संभव हुआ है कि केंद्र में मोदी जी हैं और राज्य में योगी जी हैं। हम सब योगी जी का, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अपने आप को बहुत खुशी महसूस करते हैं कि इस इंतजार में, इस घड़ी में हम मौजूद हैं और भगवान के प्रकटोत्सव का हम आनंद मना रहे हैं। और हम सब इस बात को जिंदगी भर अपने जीवन को याद करते रहेंगे कि हमें ये दिन नसीब हुआ, और इसके लिए भगवान का बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। बिल्कुल, लगातार भगवान राम के नारे यहाँ लगाए जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? जय श्री राम, जय श्री राम। हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, हम अपने शब्दों को व्यक्त नहीं कर सकते जितनी हमको खुशी हो रही है। आज राम प्रतिष्ठा का बहुत दिन है, अच्छा दिन है, शुभ दिन है। अब आगे बिल्कुल लगातार जो है वो भक्ति दिख रही है और जो यूथ है वो भी इन कार्यक्रम में लगा हुआ है। जो मंदिर के अंदर भंडारा है, जो अखंड पाठ हो रहा है, उसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं और यूथ का एक बड़ा योगदान है। जो नौजवान है उनसे भी बात करते हैं। आप जरा बताइए, आज भगवान राम लला का कार्यक्रम है, वो जिस मंदिर का लगातार इतना इंतजार किया जा रहा था, इतनी जो त्याग है, बलिदान है, वो इस बीच हुआ है, वो आज बनकर तैयार हो गया है। भगवान आज अपने मंदिर में आने वाले हैं। हमें बहुत खुशी है, हमारे रामलला मंदिर पे आने वाले हैं और हमारा भव्य तैयारी चल रही है मंदिर में, और अखंड पाठ चल रहा है, हमारा भंडारे की तैयारी चल रही है। हम सब साथ मिल के प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। तो बस लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल, और ये सिर्फ एक चिठहरा गांव की बात नहीं है, एक दादरी या ग्रेटर नोएडा की बात नहीं है, पूरे देश के अंदर, देश दुनिया में आज जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे 14 साल के बाद, भले ही त्रेता युग में भगवान राम वनवास काट कर आए थे, लेकिन जो 500 साल का वनवास अब काटा है और असली दिवाली इसको कहा जा रहा है, तो जो दिवाली पर माहौल था उसी तरह का माहौल आज हर जगह देखने को मिल रहा है। और आप देखिए कि किस तरह का उत्साह लोगों में है, इतनी सर्दी के बावजूद भी जो लोग हैं वो मंदिरों में जा रहे हैं,
और सिर्फ ये अब की बात नहीं है, जब राम लला के प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा उसके बाद रात को दिवाली मनाई जाएगी। लोग आतिशबाजी की तैयारियां कर रहे हैं, घरों में मंदिरों में दीप जलाए जाएंगे, तो बिल्कुल दिवाली के जैसा माहौल आज देश में होने वाला है। बिल्कुल दीपावली ऐसा माहौल जो है पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में नागेंद्र जी, आप लोगों से ये भी जानिए कि कितने उत्सुक वे हैं और किस तरीके से आज दीपावली मनाएंगे, क्योंकि सुबह से ही जिस तरीके से आपने बताया कि इतने सर्द मौसम में भी लोगों की जो आस्था है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। मंदिरों में लोग सुबह से जा रहे हैं अपने रघुनंदन का अभिनंदन करने के लिए। जी बिल्कुल, कितना उत्साह आज है। खास तौर से जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, क्या कहेंगे? या हमें बहुत खुशी है, हम बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे हमारे मंदिर बने, और आज हमारी वो मनोकामना पूरी हुई है। इसीलिए हमने भव भंडारा प्रयोजन करा है और मंदिर को सजाया अपने, रात को दिवाली मनाएंगे। हाँ, हमें बहुत लाइव एलईडी लगाएंगे हम, बड़ा उत्सव मनाएंगे मंदिर पे, और रात को दिवाली मनाएंगे हम, बम पटाखे फोड़ेंगे, दिए लगाएंगे पूरे मंदिर में, सजावट करेंगे पूरे मंदिर की अच्छी। अच्छा मास्टर जी, क्या कहोगे, किस तरह का आज शाम को क्या कार्यक्रम है गांव में? भाई साहब, शाम को बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है, पूरे गांव ने दिवाली से ज्यादा बड़ा उत्साह है। पूरे गांव ने ये प्राण प्रतिष्ठा करके उस लक्ष्य में घर घर दिवाली मनाने का प्रयास ये सब लोग करेंगे, अपने घरों को सजाएंगे, लड़ी और दिवाली मोमबत्ती दिए जलाए जाएंगे, बम पटाखे दगाए जाएंगे, और घर घर में बढ़िया मिष्ठान बन रहे हैं, पूरी कचौड़ी बन रही है, पूरा उत्साह है। जिस तरीके से भगवान राम 14 साल वनवास के बाद आए थे, लगभग मेरा तो मानना उससे भी ज्यादा बड़ा उत्साह हो रहा पूरे गांव में। इस तरीके से राममय वातावरण बना हुआ है, ये समझ लो कि हम लोग धन्य धन्य हो गए, ये पीढ़ी धन्य धन्य हो गई है। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, इस समय जो लोग विराजमान है वो अपने आप को बहुत धन्य मान रहे हैं कि भगवान की कृपा से हमें ये दिन नसीब हुआ है, और हम सभी लोग खुश हैं, बाल बच्चे बूढ़े गरीब अमीर जितने भी लोग हैं सब भगवान राम के उत्सव की तैयारी में लगे हुए हैं। पूरा राममय माहौल हो रहा है, सब लोग खूब खुश हैं, भगवान सबको ऐसे दिन नसीब कराएं, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। जय श्री राम। बिल्कुल, लगातार जो उत्साह है, जो खुशी है, वो यहाँ लोगों में देखी जा रही है, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जिस तरह की लंबी लड़ाई लड़ी है, जो बलिदान लोगों ने इस बीच में दिया है, तो नीम की ईंट वो लोग थे, आज इमारत चाहे कोई भी बन गया हो, लेकिन उन लोगों का जितना त्याग था उतना ही आज मौजूदा जो सरकार की तरफ से है वो किया जा रहा है। तो जो लोग हैं यहाँ उनके बीच में सरकार को लेकर भी, चाहे नरेंद्र मोदी की बात हो चाहे फिर राज्य की सरकार की बात हो, तो उसके लिए एक धन्यवाद जो है वो लगातार लोग दे रहे हैं कि शायद यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते, ये यहाँ लोगों का कहना है, तो शायद राम मंदिर नहीं बनता, और जो घड़ी आ जाई है वो घड़ी भी शायद नहीं मिलती। वाकई वाकई जिस तरीके से कई सालों का संघर्षों का ही परिणाम है कि आज जो है हम सब इस पल के साक्षी। नागेंद्र जी, आप बने रहिए।